दांत निकाल गए। आप ये सोच रहे हैं कि शायद कैसी लगी शक्ल? बहुत ही गंदे, एकदम गंदे। Hey guys, good morning. This is day 2 in Shirdi and welcome back to our channel, guys. ठीक है, तो आज शिरडी में होली, जो कि हमारे, अगर हम गुड़गांव से कंपेयर करें तो जैसे जिस दिन होली होती है गुड़गांव में, उसके पांचवें दिन शिरडी के अंदर होली होती है। तो अभी नीचे चलेंगे, होली खेलेंगे, आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ की होली कैसे होती है। ठीक है, अभी ये कपड़े नए हैं, एक सेकेंड के अंदर कपड़े चेंज करके फिर से मिलते हैं। सो कपड़े हो गए चेंज, ये वाले कपड़े स्पेशल होली के लिए थे, गुड़गांव में भी इसी से खेली थी, यहाँ पे भी इसी से खेलेंगे, है ना? ठीक है, वैसे इधर यहाँ पे शिरडी के अंदर होली को होली नहीं बोलते, रंग पंचमी करके ये लोग मनाते हैं। नीचे चलते हैं, दिखाते हैं फटाफट कैसा माहौल है। भाई ये लोग होली कैसे मनाते हैं, बाहर लग रहे डीजे, और उन्होंने वैसा सिस्टम करा ऊपर लगा के ना, पूरा शॉवर टाइप्स, कि हम भी रेन डांस कर सकते हो आप लोग डीजे के अंदर। हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग शिरडी के जितने भी लोग हैं, क्रांति योग मंडल है, सचिन भाई है, और हम सारे शिरडी के लोग ये प्रयास करते हैं कि जितने भी साईं भक्त जितने भी त्योहारों में शिरडी आते हैं, वो त्योहार आपके लिए यादगार हो, ये हमारी कोशिश होती है। तो आज भी हम त्योहार त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यारणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा पितृत्वेनाहुतात्मनावृत्ति स्वभाव करुणी यज्ञं सकल तरस्मै नारायणाभिः समर्पयामि अदितं मे त्वं नारायणं कृष्णामो ब्रह्मास्मि महि तिरोम माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रो जे हरे राम। ये सोच रहे हैं कि शायद ये त्योहार खत्म हो गया, आज का रघुपति उत्सव खत्म हो गया है, तो साईं बाबा के जो सबसे क्लोज थे, ये उनका घर है श्यामा। होली तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर ली, अच्छे से डांस किया, रंग बहुत उड़ाया, रंग बहुत लगाया, मज़े आ गए खेलने में। उसके बाद अब लग रही है बहुत तेज भूख, तो हम लोग आए हैं इधर हल्दीराम्स, ये हो जाएगा। उसके बाद 5 बजे बाबा का रथ निकलना है, खाना खा के फिर वहाँ से रथ निकलता है, कैसे वो दिखाता हूँ। सॉरी यार, मैं रथ का कुछ भी वीडियो क्लिप नहीं दिखा पाया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कीचड़ बहुत ज़्यादा था, फिसलने की टेंशन थी, इस वजह से मैं उसको शूट नहीं कर पाया, फ़ोन मैंने रख दिया था जेब में। कोई बात नहीं, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे खंडोबा मंदिर, ठीक है, और अभी ये भुट्टा भी खा रहे हैं, यहाँ का भुट्टा बहुत फेमस है, बहुत मीठा देते हैं ये अंकल, बना रहे हैं हमारा भुट्टा। अंकल हाय बोल दो यूट्यूब पे। हाय, कोई बात, ये भैया एकदम बढ़िया पानी पूरी बनाते हैं, ये यहाँ पे बहुत फेमस पानी पूरी वाले भैया हैं। मैं आई थी आज से शायद 4 साल पहले, जब यहाँ पे डोमिनोज हुआ करता था, तब मैंने इनकी पानी पूरी खाई थी और मुझे याद थी, और क्या बढ़िया पानी पूरी है, बताना विशाल कैसी है? बहुत बढ़िया ना। तो आप यहाँ पे, ये एक फेमस जगहों में से है शिरडी में पानी पूरी में, तो आप यहाँ पे आ सकते हो बजरंग भेल सेंटर के नाम से। हाँ, बजरंग भेल सेंटर। और ये भैया हैं, ध्यान से देख लो ये बोर्ड है, आपको इस बोर्ड से दिख जाएगा, और ये भैया की रेडी है, ये ठीक इसी होटल के सामने, होटल साई चैत्रा।
हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया का नंबर दे रहे हैं, अगर किसी को ना मिले भैया कि ये कहाँ पे खड़े होते हैं भैया, तो आप उनको डायरेक्टली कॉल करके यहाँ पे आ जाइएगा साईं चैत्र होटल पे। ये है खंडोबा मंदिर, इसको प्राचीन मंदिर भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है और काफ़ी मान्यता है इसकी यहाँ पे शिरडी में। और ये एक बहुत पुराना पेड़, शायद बाबा के समय का ही होगा। और यहाँ पर है खंडोबा भगवान जी की मूर्ति, इसकी मान्यता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी जब बाबा यहाँ पर आए थे। बाबा यहाँ पर आए थे चांद पाटिल जी के साथ एक बारात में, और तब मालसापति ने बाबा को आओ साईं कहेंगे बुलाया था, तब से उनका नाम साईं पड़ा। तो आज के इस व्लॉग का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो लोग शिरडी नहीं आए हैं या जो लोग शिरडी आए भी हैं बट जिन्होंने होली नहीं देखी कि यहाँ पे लोग होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट है हमारे गुड़गांव दिल्ली से, तो मैं उन लोगों को दिखाना चाहता था कि हाँ यहाँ पे कैसे फेस्टिवल एंजॉय किया जाता है। सो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, हमने कैसे होली सेलिब्रेट करी वो हमें दिखाना था। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग शिरडी नहीं आए उनको शेयर करना ताकि वो लोग यहाँ पर आएँ। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि सारे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग बाय।